गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी। देखिए, हम आपको लेसन फोर चैप्टर फोर बकरियों की समझदारी लेसन पढ़ा दिए थे और आपको बता भी दिया गया था ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू वाला जो सही विकल्प है सही का निशान लगाइए और रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आगे देखिए दिया है सही तत्वों पे सही का चिन्ह लगाइए। इसको आज हम करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। पहले तो आप चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड टू तक हो गया है। देखिए टू में रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमने भरवा दिया था जंगल में बहुत ही घना था। जंगल में एक बड़ा नाला भी था। बकरियां नाले पर घास चरने जाती थी। भूरी बकरी को की आवाज शिक्षा मिलती है। सही बात है या गलत?
फोन नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर रहा
कौन सी बकरी पुल पर बैठी, कौन सी बकरी पुल पर बैठी? इसका आंसर
अभी रोज की तरह या प्रतिदिन की तरह दिन है और लोग इतिहास दिवस है, अच्छी है, सुंदर है, तंग है, सकरा है, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हाँ देखिए, टू नंबर पे है निम्नलिखित, सॉरी शब्दों को उनके विपरीत, उनके विपरीत अर्थ से मिलाइए। यहाँ पे क्या दिया है, वहां पे पर्यायवाची दिया हुआ था, समानार्थी दिया हुआ था, और यहाँ पे आपको विपरीत अर्थ वाले यानी विलोम शब्द लिखना है, तो इसमें विलोम शब्द अपने मन से नहीं लिखना है, दिया हुआ है, सिर्फ आपको मैच करना है। ला, रोज, नाला, बकरी, चल। ये ख, ग, घ, अंग। अब इसका देखिए विपरीत शब्द क्या दिया हुआ है, रुक कर, भूरी, कभी कभी। देखिए अब दिया हुआ है लाल, लाल का क्या विपरीत अर्थ है, भूरा, रोज, कभी कभी, नाला, नाली, बकरी, बकरा, चलकर, रुककर। ये देखिए विपरीत अर्थ वाले हैं, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये आंसर आपको सामने सामने लिखना होगा, लाल का भूरा, रोज का कभी कभी, नाला का नाली, बकरी का बकरा, और चलकर का रुककर, इसके इसके सामने सामने हम लोग लिखेंगे। अभी तो यहाँ पे हमने बुक में आपको मिलान कर दिया है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करना होगा, इसको सामने सामने लिखना होगा इसका आंसर। आगे अभी शब्दों से वाक्य बनाइए, वाक्य बनाइए। शब्द दिया गया है आपको, पूरा एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। क, दिया है मंगल, क्या दिया है, मंगल। हम भगवान से मंगल रहने की कामना, मंगल रहने की कामना करते हैं। मंगल यानी खुश, मंगल क्या होता है, खुश, तो हम खुश रहने की कामना करते हैं। आगे दिया है नाले, नाले के दोनों, नाले के दोनों किनारों पर
किनारों पर बहुत नालों के दोनों किनारों पर बहुत घास थी। दोनों से क्या मतलब है? लाल बकरी और भूरी बकरी दोनों नाला पार करने में सफल हुई। देखिए, ये आपका वाक्य प्रयोग था सफल, दोनों नाला पार करने में सफल हुए। ये वाक्य प्रयोग आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में दिया गया है, क्या आप अपने मित्र के साथ कभी सहयोग से कार्य करते हैं? कोई ऐसा कार्य लिखिए जो अपने समझ में आए। तब तक के लिए